नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, हम हमारे गार्डन में पेस्टिसाइड या फंजिसाइड कौन कौन सा यूज करते हैं। आप लोग कभी कभी हमसे क्वेश्चन करते हैं या कमेंट्स में पूछते हैं जो सर आप क्या क्या यूज करते हैं, थोड़ा सा बताइए। इसलिए आज मैं इस वीडियो को लेकर आए, हम हमारे गार्डन में क्या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड और फंजिसाइड क्या यूज करते हैं, और जो फंजिसाइड पेस्टिसाइड कब यूज करना चाहिए, किस टाइम कौन सा यूज करना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे, और साथ में इसका जो डोज है, डोज के बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पेस्टिसाइड के ऊपर बात कर लेते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये है कॉन्फिडर। ये देखिए, ये कॉन्फिडर सुपर है। आप ओनली कॉन्फिडर ले सकते हैं। कॉन्फिडर आप अगर लेंगे तो कॉन्फिडर आपको 1 ml 1 लीटर पानी में डिजल्व करके आपको स्प्रे करना है। और ये कॉन्फिडर सुपर यानी कि डबल डोज, सुपर यानी कि डबल डोज है इसमें। इस कॉन्फिडर में जितना रहते हैं उससे डबल है। ये एक देखिए, इस जगह पर लिखा है, आपको दिखाई दे रहे होंगे, 50 ml सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। ये देखिए, तो इसका जो डोज है, इसका डोज है 0.5 ml, यानी कि आधा ml 1 लीटर वाटर में डिजल्व करेंगे। डिजल्व इन 1 लीटर वाटर ओनली फॉर 0.5 ml। उसके बाद इसको स्प्रे करना है और हर 15 दिन में एक बार स्प्रे करना है। आप अगर ओनली कॉन्फिडर यूज कर रहे हैं तो आपको हर 15 दिन में एक बार यूज करते रहना है। एक बार यूज करेंगे तो इसमें क्या है, देखिए, जो थ्रिप्स है, थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा बहुत ही अच्छा से। आपका बहुत सारे पेस्ट है वो कंट्रोल हो जाएगा। रोज फ्लावर प्लांट में और साथ में हिबिस्कस फ्लावर प्लांट में और आपकी गार्डनिंग में जितनी फ्लावर प्लांट है, सभी फ्लावर प्लांट में आप कॉन्फिडर सुपर या कॉन्फिडर यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डोज होंगे कॉन्फिडर सुपर का 0.5 ml एंड कॉन्फिडर का होगा 1 ml 1 लीटर वाटर। जैसे कि हिबिस्कस के लिए मैं बता देता हूँ, आप कॉन्फिडर यूज कीजिए एक बार, ठीक 15 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको लेना है एक्टारा। ये देखिए, ये सिंजेंटा कंपनी की है और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो मैं यूज करता हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। ये एक्टारा, एक्टारा का जो डोज है आधा ग्राम यानी कि 0.5 ग्राम पर लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर में एक्टारा को आपको 0.5 ग्राम यूज करना है। इनकेस आप अगर हर 15 दिन में एक्टारा यूज नहीं करेंगे तो किस टाइम यूज करेंगे वो मैं बताते हैं। आपने कॉन्फिडर यूज किया 15 दिन पहले, लेकिन 15 दिन बाद देखा गया आपके प्लांट में मेलीबग का अटैक हुआ है या कोई साकिंग पेस्ट, जैसे कि वाइट फ्लाइज है या कोई साकिंग पेस्ट का अटैक हुआ है, आप देख रहा है एफिड्स का अटैक हुआ है, उस टाइम आप अगर एक्टारा यूज करेंगे 0.5 ग्राम, एक ग्रैनुल्स है, 1 लीटर पानी में डिजल्व करके आप स्प्रे कर देंगे। और एक्टारा देने की ठीक 5 दिन बाद एक बार दोबारा फिर से यूज करना है आपको एक्टारा को, तो आपका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेंगे। ये एक्टारा आप हिबिस्कस में यूज कीजिए, और नहीं तो ये जो दो है दोनों को आप चेंज करके यूज कर सकते हैं। 15 दिन एक बार, 15 दिन में कॉन्फिडर, एक बार एक्टारा। और जो बरसात की टाइम है, अभी बारिश आने वाले हैं, इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा कैटरपिलर देखेंगे। ये देखिए, इसमें फोटो लगा हुआ, ये देखिए हरे कलर का, और ब्लैक कलर के भी देखेंगे, स्टेम बोरर देखेंगे, लीफ कटर देखेंगे, ऐसा जो भी इल्लियाँ है सब इल्ली प्रोफेक्स सुपर से मारा जाएगा और आपका जो प्लांट है, प्लांट काफ़ी अच्छा होगा। इसमें देखिए प्रोफेनोफॉस है,
40% और साइपरमेथ्रिन है 4%। ये जो प्रोफिक्स सुपर है इसकी डोज भी 2 ml 1 लीटर पानी में डिजल्व करके आपको स्प्रे करना है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा बरसात की टाइम ही अपने को चाहिए, बाकी साल भर नहीं चाहिए, इसलिए आपको छोटा से छोटा पैक लाना है। ये देखिए, ये मेरे पास जो है 100 ml का पैक है, 125 रुपया MRP है, लेकिन हमसे 80 रुपीज़ लिए है। तो प्रोफिक्स सुपर आपको क्या करना है, आप रोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। जिस टाइम देखेंगे रोज़ फ्लावर प्लांट का आपका लीफ किसी ने काट दिया है, कोई इल्ली ने खा गया, तो आपको समझ में नहीं आता दिन में जी आपका लीफ, आपका प्लांट का लीफ कैसे कट गया और किसने खाया है, उस टाइम आपको इसको यूज करना है। और यूज करेंगे शाम की टाइम, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो इल्ली है, कटर पिलर है, लीफ बुरर है, स्टीम बुरर है, लीफ कटर और स्टीम बुरर है, ये सब रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं। दिन में क्या होता है, आपके पॉट में जो सॉयल है, सॉयल में जाके छुप जाते हैं, और ठीक रात होते ही शाम से चालू हो जाता है इनका काम, खाने का काम। तो इसलिए क्या करेंगे, आप इसको रात की टाइम यूज करेंगे, शाम की टाइम यूज करेंगे, स्प्रे करेंगे 2 ml 1 लीटर पानी में डिजल्व करके स्प्रे कर दीजिए। हिबिस्कस में, रोज में, और जितनी फ्लावर प्लांट्स हैं सभी फ्लावर प्लांट्स में आप यूज कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। आप रोज फ्लावर प्लांट के लिए बताते हैं, रोज फ्लावर प्लांट के लिए आपको कॉन्फिडोर सुपर या कॉन्फिडोर आपको देते रहना है। और इसकी जो डोज है, कॉन्फिडोर सुपर होंगे तो 0.5 ml 1 लीटर पानी में डिजल्व करके स्प्रे करेंगे। और आपके पास अगर कॉन्फिडोर है तो 1 ml 1 लीटर पानी में डिजल्व करके स्प्रे करना है। इसमें जैसे कि थ्रिप्स का, एफिड्स का, जो लीफ कर्ल है उसका, ये सब चीज़ का ट्रीटमेंट हो जाएगा, और भी कुछ सकिंग पेस्ट जो होता है उसकी भी इसके साथ साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रोज फ्लावर प्लांट में ठीक 15 दिन अंतर से एक बार कॉन्फिडर देंगे, एक बार देंगे इंट्रेपिड। ये देखिए इंट्रेपिड, ये देखिए इंसेक्टिसाइड एंड एकारिसाइड, ये देखिए लिखा है इंसेक्टिसाइड एंड एकारिसाइड, ये ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन है। इसमें ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन मीन्स क्या होता है, ये दो तरह से काम करता है, एक तो इंसेक्ट के ऊपर भी काम करता है, और साथ में जो माइट्स है, रेड माइट्स है, वाइट माइट्स है और येल्लो माइट्स है, जितनी प्रकार की माइट्स है सभी माइट्स के ऊपर काम करते हैं, एकारिसाइड एक्शन भी है इसके अंदर। और साथ में एक बात मैं बताता हूँ, इसके साथ इंसेक्ट और पेस्ट दोनों की एक्शन है, और साथ में जो इल्लिया वगैरह है, आप अगर प्रोफिक्स सुपर आप अगर यूज नहीं करेंगे, ओनली इंट्रेपिड यूज करोगे, तब भी आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि इससे भी स्टेम बोरर, लीफ कटर, कटर पिलर, जितनी इंसेक्ट इल्लिया होता है सब मर जाते हैं इससे। लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप सिर्फ रोज फ्लावर प्लांट में 15 दिन में एक बार यूज़ कीजिए, और प्रोफिक्स सुपर ओनली बरसात के टाइम यूज़ कीजिए। रोज फ्लावर प्लांट के लिए आपको एक बार कॉन्फिडोर और एक बार इंट्रेपिड 15 दिन अंतर से स्प्रे करेंगे। इंट्रेपिड से आपका लीफ कर्ल, एफिड्स, माइट्स, और साथ में जो आपका रोज फ्लावर प्लांट का ऊपर की जो टिप्स है, टिप्स जल जाते हैं। मैं थोड़ा सा प्लांट दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे ये देखिए न्यू लीफ आ रहा है, ऐसे न्यू लीफ जब आते हैं, आपका न्यू ब्रांच आते हैं, उस टाइम आप कहते हैं यहाँ पर ये टिप्स जल जाते हैं। आप अगर इंट्रेपिड यूज करेंगे तो आपका ये जो लीफ है, लीफ नहीं जलेगा। ये देखिए मेरा और भी साथ में, ये देखिए न्यू लीफ आ रहा है, नहीं जला, और भी दिखाते हैं, ये देखिए, ये मेरा कोई भी टिप्स जलते नहीं है, क्योंकि मैं कंटिन्यू यूज करता हूँ। देखिए आप भी यूज कीजिए, आपका भी ऐसा ही सभी टिप्स अच्छा आएगा। ये देखिए सभी टिप्स में बर्ड्स आ रहा है, ये देखिए ऐसे ही करके आपका भी सभी टिप्स में बर्ड्स आएगा, कोई टिप्स खाली नहीं जाएगा। आप अगर अच्छा पेस्टिसाइड यूज करोगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। इंट्रेपिड का जो डोज है 1.5 ml टू 2 ml, यानी कि 1.5 ml से 2 ml आप ले सकते हैं
एक लीटर पानी में डिजल्व करके बहुत ही अच्छा से सेक कर लेना, उसके बाद आपको यूज करना है, स्प्रे करना है। और ये आप दिन में भी यूज कर सकते हैं और शाम को भी यूज कर सकते हैं। दिन में अगर हाई टेम्परेचर होगा, धूप होगा, तो यूज नहीं करेंगे, आप शाम को यूज करेंगे। ये इंसेक्ट के बारे में मैंने बता दिया, आप थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे फंजीसाइड के बारे में। फंजीसाइड में देखिए ये है साफ, साफ तो मैं यूज करता हूँ और आप लोगों को भी मैं साफ यूज करने को कहता हूँ, लेकिन साफ यूज करने से रोज फ्लावर प्लांट में जो निशान है, फंजीसाइड का निशान है, वो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। और ये एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंजीसाइड है, अच्छा फंजीसाइड है, रिजल्ट अच्छा है। जहाँ पर आप ब्रांच काट करेंगे, पेस्ट बना के लगाइए, वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। साथ में आप अगर इसको यूज करते हैं तो सांप को आप 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिजल्व करके स्प्रे करेंगे हर 15 दिन में एक बार, तो आपका रोज फ्लावर प्लांट यानी कि सभी फ्लावर प्लांट बहुत ही अच्छा रहेगा। और मेरा मानना ये है, जो हमने देखा है अभी तक, सिर्फ साफ यूज करने से आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं आ सकता। आप एक बार साफ यूज कीजिए और साथ में एक बार वेबिस्टिन यूज कीजिए। ये देखिए वेबिस्टिन है, ये सिस्टमिक फंजीसाइड है। सिस्टमिक फंजीसाइड ये होता है, ये फंजीसाइड आप स्प्रे करेंगे और वेबिस्टिन आपको 1.5 ग्राम यूज करना है, 1.5 ग्राम पर ml पर 1 लीटर ऑफ वाटर, 1.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। तो 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डिजल्व करके आपको स्प्रे करना है। आप स्प्रे करेंगे तो ये जो पूरे प्लांट के ऊपर, लीप के ऊपर जब जाएगा तो लीप धीरे धीरे इसको साफ कर लेगा और पूरे सिस्टम के अंदर डाल देगा, यानी कि पूरे प्लांट में फैल जाएंगे। और ये कम से कम 2 हफ्ता तक अपना अंदर एब्जर्व करके रख सकते हैं और इसका रिजल्ट भी 2 हफ्ता तक बना रहता है। इसीलिए एक सिस्टमिक फंजीसाइड जो है वेबिस्टिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये देखिए एक क्रिस्टल है, तो आप एक बार यूज़ कीजिए वेबिस्टिन, एक बार यूज़ कीजिए साफ, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और इनकेस आप अगर साफ यूज कर रहा है और वेबिस्टिन यूज नहीं कर पा रहा है, तो आप सिंजेंटा कंपनी का रिडोमिल गोल्ड आता है, आप इसको यूज कीजिए। इसको 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिजल्व करके आपको स्प्रे करना है 2 ग्राम। ये देखिए इसमें मेटल एक्सिल है और मैनकोजेब है। ये एक सिस्टेमिक और एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, लेकिन आपको दोनों चेंज करके यूज करना है, एक बार साफ, एक बार रिडोमिल, और नहीं तो एक बार रिडोमिल गोल्ड और एक बार वेबिस्टिन, ऐसा करके आपको फंजीसाइड 2 रखना है। कोई भी 2 आप चूज कर सकते हैं। साथ में मैं जो यूज़ करता हूँ और एक देखिए मेरे पास एक और है, फोलियो गोल्ड है, ये भी सिंजेंटा कंपनी का है और इसमें भी देखिए मेटल एक्सिल है और एक दूसरे कॉम्बिनेशन है। ये भी कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक फंजीसाइड है और इसका डोज भी 1.5 ml से 2 ml है। आप 1.5 ml 1 लीटर पानी में डिजल्व करके यूज कर सकते हो और 2 ml भी 1 लीटर पानी में डिजल्व करके स्प्रे कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। आप थोड़ा सा चेंज करके यूज कीजिए, हमेशा कंटिन्यू एक मेडिसिन, एक फंजीसाइड यूज मत कीजिए। जैसे कि हम एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं, कोई भी मेडिसिन लंबी समय तक खाने के बाद हमारे बॉडी में वो रेजिस्टेंस डेवलप्ड होने लगते हैं, वो दवाई हमारे बॉडी में काम नहीं करते। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा चेंज करके यूज करते रहना है ताकि पेस्ट के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर उसका रेजिस्टेंस फॉर्म ना हो। ये 100 ml का है, 100 ml का है मेरे पास फोलियो गोल्ड, आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूज करने से पहले आपको बहुत अच्छे से सेक कर लेना है, उसके बाद यूज करेंगे। और एक बात है जो कि मैं एक PGR यूज करता हूँ, देखिए मैं सबसे ज़्यादा PGR ओमेगा गोल्ड प्लस का यूज़ करता हूँ, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ये देखिए अल्फा क्रॉप साइंस कंपनी का है, ये देखिए इससे पहले भी मैंने बताया और दिखाया भी कई वीडियो में, ये मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। आप भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आंखें बंद करके, आपको दूसरा PGR यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास और एक PGR भी है, वो काफ़ी लंबे समय से है, उसको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ मैं ओमेगा गोल्ड प्लस का करता हूँ। 2 ml 1 लीटर पानी में डिजल्व कीजिए और स्प्रे कर देंगे, सॉइल में भी दे सकते हैं, रूट में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिंडर मीडिया में आपके पास अगर रोज़ फ्लावर प्लांट लगा है उसमें भी आप
मीडिया में यूज़ कीजिए, रूट में दीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आप स्प्रे करेंगे तब भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो वीडियो को और लंबे नहीं बनाएंगे, आज यही तक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आते तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ आप तक तुरंत पहुँच सके। और एक बात है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा, आपको कोई अगर क्वेश्चन करना है वहाँ जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कमेंट्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की पूरे सवाल का जवाब दे दूँगा। आज यही तक है, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, नया जानकारी लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।